पहले से कर लेते हैं कि स्टोरी करेंगे, ये करेंगे स्टोरी करेंगे एंड देन मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत सुनूंगा। बेटा चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। लेट मी टीच, ओके लेट मी टीच। चलिए माई चली जानी पड़ेगी यहाँ से, नहीं तो परेशान करती रहेगी। नहीं बेटा जाओ यहाँ से, मम्मा हेलो, को बुला लो अपने। आनिया, आनिया मम्मा को बुला लो। चलो क्या हुआ? ऑल राइट गाइस, कोई बात नहीं, सो सॉरी गाइस। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, सॉरी कैन यू से दैट अगेन। देखिए मान लीजिए आपको कोई बात समझ में नहीं आई, राइट, व्हेन यू डू नॉट अंडरस्टैंड समथिंग, सो देयर यू कैन यूज दिस वन। सो सॉरी कैन यू से समथिंग, माफ कीजिए क्या तुम इसे दोबारा कह सकते हो? कैन यू से दैट अगेन, सॉरी क्या माफ कीजिए क्या तुम इसे दोबारा कह सकते हो? ठीक है भाई, मान लीजिए मैंने कुछ कहा और आपकी समझ में नहीं आया, तो आप सीधा पूछिए सॉरी से दैट अगेन। ठीक है, सॉरी कैन यू से दैट अगेन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई चीज समझ में नहीं आएगी, आवाज आ रही है? नहीं आ रही गाइज मेरी आप लोगों? यस यस सर, ओके, तो आप लोगों को बोला है सॉरी कैन यू से दैट अगेन, माफ कीजिए क्या तुम दोबारा से कह सकते हो? ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर। ठीक है, सॉरी कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज, क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो? कैन यू स्पीक लाउडर प्लीज, ये बहुत अच्छा सेंटेंस है, क्या तुम थोड़ा जोर से बोल सकते हो? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कैन यू स्पीक अ लिटिल मोर स्लोली प्लीज, क्या तुम थोड़ा आराम आराम से बोल सकते हो? ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, यू डोंट हैव टू शाउट, आई कैन हियर यू क्लियरली। मान लीजिए कोई जोर जोर से बात कर रहा है, तो उसे आप बोल सकते हो कि मैं तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ क्लियरली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, कैन यू एक्सप्लेन दिस टू मी प्लीज, क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? सर क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? क्या तुम इसे एक्सप्लेन कर सकते हो? उसके बाद नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है गाइस, कैन यू टर्न द लाइट ऑन, क्या तुम लाइट ऑन कर सकते हो? ठीक है, उसके अलावा है कैन यू स्विच द लाइट ऑफ, क्या तुम लाइट ऑफ कर सकते हो? सारे सेंटेंस बढ़िया आएगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कुड यू पास मी द न्यूज़पेपर, क्या तुम मुझे न्यूज़पेपर उठा के दे सकते हो? मतलब मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल कोई पढ़ रहा है अपने न्यूज़पेपर, तो तुम चाहते हो कि भाई तुम्हें मिल जाए वो न्यूज़पेपर, तो मुझे बोल सकते हो कैन यू पास मी द न्यूज़पेपर, या फिर उसके आसपास रखा हुआ है और तुम उसे कह रहे हो भाई उठा के मुझे दे दे, तो दोनों के लिए आप इसे यूज कर सकते हो, कैन यू पास मी द न्यूज़पेपर। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, कैन आई टेक योर कोट, क्या मैं तुम्हारा कोट ले सकता हूँ? ठीक है, एम आई अलाउड टू पार्क हियर, क्या मैं यहाँ पार्क करने के लिए अलाउड हूँ, यानी अलाउ मतलब मुझे इजाजत है यहाँ पार्क करने के लिए। मान लीजिए आप गाड़ी लेके आए हो, तो आप पूछ सकते हो किसी से कि भाई क्या मैं यहाँ गाड़ी पार्क कर सकता हूँ, यहाँ पे अलाउ है गाड़ी पार्क करना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, इफ यू पार्क हियर यू विल गेट पार्किंग टिकट। ठीक है भाई, अगर तुम यहाँ पार्क करते हो तो तुम्हें जो है ना पार्किंग टिकट मिलेगा। ठीक है, या फिर पार्किंग टिकट लेना होगा। ठीक है, दोनों ही इसके मतलब निकल सकते हैं। ठीक है, तो पार्किंग टिकट लेना होगा मतलब पैसे देने होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके अलावा नेक्स्ट सेंटेंस है गाइस हमारा, मे आई सी योर ड्राइविंग लाइसेंस, क्या मैं तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस देख सकता हूँ? ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है गाइस हमारा, कैन यू वेक मी अप एट 6 टुमारो, क्या तुम मुझे सुबह 6 बजे उठा सकते हो? ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हमारे कुछ एक्सप्रेशन है जो कि आप लोगों को याद करके आने हैं। अब कहाँ तक याद हो गए हमारे? अभी हमारे याद हो गए हैं गाइज परमिशन एंड रिक्वेस्ट, यानी कि कितने टॉपिक याद हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टॉपिक अभी याद हो गए हैं। यहाँ टोटल टॉपिक कितने हैं? टोटल टॉपिक तो अभी बहुत सारे हैं, तो इसमें से आज हमने कितने करें गाइज? और कराऊं शायद आई थिंक आप लोगों को, अभी ये तो बहुत कम है, इसमें 7 8 सेंटेंसेस थे सिर्फ, और करा दूं आगे के? ओके ओके सर, चलिए, टेलीफोनिक, ओके वाह दैट्स ग्रेट, टेलीफोनिक में सिर्फ एक ही है, मे आई स्पीक टू जेन, सर, मे आई स्पीक टू जेन, क्या मेरी क्या क्या मैं क्या मैं जेन से बात कर सकता हूँ? मान लीजिए आप किसी से बात करना चाहते हो, तो आप उसे ऐसे बोलो फोन करके, हाय
मे आई स्पीक टू इसबाब, क्या मैं इसबाब से बात कर सकता हूँ? ठीक है गाइस, चलिए ये तो हो गया, 12 टॉपिक हो गए सीधे। ठीक है, इसमें काफी है, चलो ये पूरा कर लेते हैं। ठीक है, डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड? क्या तुम्हें समझ में आया जो मैंने कहा? कि बहुत बढ़िया सेंटेंस आ रहे हैं जब आगे। ठीक है, वॉज दैट टू डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड? गाइज अपना म्यूट कर लो आप लोग, किसी की तरफ से वापस आवाज आ रही है मुझे। ठीक है, वॉज दैट टू डिफिकल्ट फॉर यू टू रीड? क्या तुम्हारे लिए उसे पढ़ना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था? ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा डिफिकल्ट था। क्या तुम्हारे लिए उसे पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट था? डिड यू सी मी वेविंग एट यू? क्या तुमने मुझे अपनी तरफ हाथ हिलाते हुए देखा? ठीक है, डू यू नॉट रिकोगनाइज मी? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते हो? आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या आप इस बारे में पक्के हो? मतलब मान लीजिए आपसे कोई पूछ रहा है कि भाई यहाँ कौन था, तो तुम बता रहे हो यहाँ पे तो अजमल था। ठीक है भाई, तो अब आपसे पूछा जा रहा है, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या तुम्हें पक्का पता है? ठीक है, तो क्या तुम पक्का कह सकते हो? तो उसके लिए हम आर यू श्योर अबाउट दैट यूज करते हैं। ठीक है भाई, आर यू श्योर अबाउट दैट? क्या तुम पक्के मतलब श्योर हो इस बारे में? ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है भाई, वॉट डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू? तुम मेरे से क्या करने की उम्मीद रखते हो? आर यू किडिंग मी? क्या तुम मेरे साथ, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ठीक है, डू यू रियली मीन इट? क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? डू यू रियली मीन इट? क्या तुम्हारा सच में यही मतलब है? आर यू सीरियस? क्या तुम सीरियस हो? डिड यू मेक दिस योर सेल्फ? ठीक है भाई, डिड यू मेक दिस योर सेल्फ? क्या, अच्छा, क्या ये तुमने खुद से बनाया है? डिड यू मेक दिस योर सेल्फ? क्या ये तुमने खुद से बनाया है? आई वुड लाइक टू कंफर्म माई फ्लाइट। आई वुड लाइक टू कंफर्म माई फ्लाइट। मैं अपनी फ्लाइट कंफर्म करना चाहूंगा। ठीक है भाई, यू नो यू शुड नॉट डू दैट, डोंट यू? कहने लगा भाई तुम जानते हो तुम्हें ये नहीं करना चाहिए, तुम्हें नहीं करना चाहिए। क्या तुम्हें करना चाहिए? ठीक है भाई, तो मतलब इस तरीके से बोला जाता है, डोंट यू? क्या तुम्हें नहीं करना चाहिए? ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है भाई हमारा, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से? तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? और आर यू फॉलोइंग मी? क्या तुम मुझे फॉलो कर रहे हो? इज देयर मोर टू इट? क्या इसमें और भी है? ठीक है, लेट मी सी इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली। मुझे देखने दो क्या मैं तुम्हें समझता हूँ सही से। लेट मी सी इफ आई अंडरस्टैंड यू करेक्टली। मुझे देखने दो अगर मैं तुम्हें समझता हूँ करेक्टली। ठीक है भाई, आई विल पे यू बैक एज सून एज पॉसिबल। मैं तुम्हें वापस दे दूंगा, मतलब मैं तुम्हें पैसे वापस दे दूंगा जितना जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट है भाई हमारा, आई डोंट सी वॉट यू मीन। मुझे नहीं दिखता तुम क्या, मुझे मान लीजिए कोई आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो वहां पे आप बोल सकते हो आई डोंट सी वॉट यू मीन, कि भाई मुझे नहीं दिख रहा, या फिर मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, ऐसे में बोल देते ना, मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो, तो आई डोंट सी वॉट यू मीन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टेल मी इफ यू कैन मेक इट दिस फ्राइडे नाइट। चलिएगा इस, बस बल्कि यही तक करते हैं क्योंकि फिर ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, काफी हो गए हैं, तो ये लास्ट सेंटेंस है हमारा, लेट मी सी इफ आई अंडरस्टैंड यू। ठीक है, और आई पे एज सुन एज पॉसिबल, आई डिडंट सी व्हाट यू मीन। हाँ बस यहाँ तक, ठीक है गाइस, आई डिडंट सी व्हाट यू मीन तक हमारा जो है ना ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद करके आने हैं। ओके गाइस, चलिए इसका हम